नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु कि मां कथन और कारण वाले जो प्रश्न आते हैं, स्थापना या तर्क वाले जिनको हम कह दें, स्थापना और तर्क के प्रश्न आते हैं, तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये क्वायरी जो है हम सभी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी, तो इसका जवाब आप सभी को देना चाहूँगी कि देखिए, किसी भी कथन की जब स्थापना की जाती है तो उस कथन के संदर्भ में कारण दिया जाता है, तो आपको उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना है, स्थापना और कारण को, स्थापना और तर्क को। अब तर्क या तो दोनों कहेंगे एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, और अगर विरोध करते हैं, जैसे अगर स्थापना तर्क का विरोध करती है या तर्क स्थापना का विरोध करता है, अगर वो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, विरोध करते हुए से प्रतीत होते हैं, तब वो क्या होंगे भाई, तब उसमें से एक ना एक गलत होगा। लेकिन अगर वो विरोध करते हुए से प्रतीत नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए स्थापना दी गई है, रामचंद्र शुक्ल जी का कोई भी कथन दे दिया है, ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन दे दिया कि साहित्य जो है वो जनता की संचित चित्त वृत्ति का जो कहेंगे संदर्भ उसमें लिया गया है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि शुक्ल जी का कथन है और ये सही है। अब इसका जब तर्क प्रस्तुत किया जाए तो वो तर्क इसमें क्या दिखाए, इसमें अपना समर्थन प्रतीत करे। अगर समर्थन प्रतीत करता है तब तो दोनों आपके ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगर इसमें समर्थन प्रतीत नहीं करेगा, ठीक है, और क्या कर देगा भाई, विरोध दिखा देगा, विरोध दिखाएगा, तो आपको जो भी कथन या कारण में आपको गलत करना है, सही करना है, तब आपको स्थापना के संदर्भ में देखना है, ठीक है, ऐसे नहीं देखना कि हाँ भाई क्या चीज़ है, तो स्थापना के संदर्भ में क्या ये कारण या क्या ये तर्क सही है, अगर सही है तो सही होगा, अगर नहीं है तो गलत होगा। तो इस तरह से आपको दोनों कथन और कारण को पढ़ना है, विश्लेषण करना है, उसके बाद में उत्तर उसी में निहित रहता है, ठीक है, स्थापना और तर्क के क्वेश्चन में उत्तर उसी में रहता है, तो आपको बस केवल और केवल ध्यान से अध्ययन करना है। थैंक यू।